हे गाइस, मैं लीनू और आप लोग का स्वागत है आप लोग का एक यूट्यूब चैनल लीनू हेल्थ में। तो गाइस, जैसे बहुत सारा डाउट रहता है, बहुत सारा क्वेश्चंस रहता है, अगर आपका आईयूआई होता है तो 15 डेज हो गया है, आपको कुछ भी सिम्टम्स नहीं है, ना इम्प्लांटेशन का कोई सिम्टम्स है, ना इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुआ है, ना कुछ भी प्रेगनेंसी सिम्टम्स आपको दिख रहा है, ना ही आपका पीरियड्स आया है, तो आपको क्या करना चाहिए, उसका मतलब क्या होता है। देखिए, जब भी आपका आईवाई होता है तो पहले तो मैं ये आप लोग को सजेस्ट करूंगी कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको पूरा स्ट्रेस फ्री होके रहना है 15 डेज या 16 डेज। जब भी आपका पीरियड्स डेट आता है तो आप एटलीस्ट 15 डेज तक स्ट्रेस फ्री होके रहिए। फिर आप एक घर पे होम प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं, उसमें रिजल्ट क्या आ रहा है। बहुत टाइम ऐसा होता है, बहुत महिला का ऐसा होता है कि कोई सिम्टम्स नहीं रहता है, फिर भी उनका टेस्ट जो है पॉजिटिव आता है। बहुत टाइम ऐसा होता है आपको फैंट लाइन आता है, वो फैंट लाइन इसलिए आता है कि आपका बॉडी में HCG हार्मोन ज़्यादा नहीं क्रिएट होता है, जिसके वजह से आपका होम प्रेगनेंसी टेस्ट में फैंट लाइन आता है। अगर फैंट लाइन आता है तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, फिर एक दिन छोड़ के आपको रिपीट टेस्ट करना है, वो लाइन जो है धीरे धीरे डार्क होने लगता है। तो ऐसा जो है, अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है तो आप टेंशन मत लीजिए, सबको सबका बॉडी सेम नहीं है, वोमेन टू वोमेन ये वेरी करता है, सबका शरीर एक जैसा नहीं है, सबको सेम सिम्टम्स नहीं आता है, किसी का सिम्टम्स आता है, किसी का सिम्टम्स नहीं आते हुए भी वो प्रेग्नेंट होते हैं। तो आप 15 डेज वेट कीजिए, प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए या फिर बीटा HCG टेस्ट करवा सकते हैं, उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो फिर और एक चीज़ है, आप कोई भी वीडियो देख के कुछ भी डिसीजन मत लीजिए, आप अपना डॉक्टर के हिसाब से जाइए। ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ ये मेरा एक्सपीरियंस के बेसिस में बना रही हूँ। तो गाइस, अगर आज का ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक अनदर न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच।